सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। मैथ सेट नंबर 5/6/12/2017 थर्ड शिफ्ट में जो आपके 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन्हें ट्रिकी अप्रोच के साथ एग्जाम में कैसे सोल्व करोगे, आज की क्लास में आप ये सीखने वाले हो। इससे पहले बच्चों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंतर्गत आपके 38 शिफ्ट में आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। ये 38 शिफ्ट हम कंप्लीट करा चुके हैं ट्रिकी अप्रोच के साथ और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। जिन स्टूडेंट ने कंप्लीट क्लास देखी है उनकी मैथ की प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त हो चुकी होगी। जिन्होंने नहीं देखी है, एक बार जाकर लिंक पर क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सभी क्वेश्चन कवर कर लीजिएगा। क्योंकि टीसीएस कंपनी का एग्जाम पैटर्न है ना, क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, डिजिट चेंज मिलेगी आपको, लेकिन पैटर्न सेम रहता है। 2017, 2020 के अच्छी तरीके से क्वेश्चन कवर कर लीजिएगा, आपको लगभग 80% क्वेश्चन मैथ के इनमें से देखने को मिलेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर एक, यदि 2 की पावर n अंडर रूट में है 32, 32 को हम क्या करेंगे, 32 है ना, 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, 2 × 4 × 8, 8 × 16, 16 × 32, यानी क्या हो जाएगा, यो इधर तो है 2 की पावर n, इधर क्या हो जाएगा 2 की पावर 5/√। ठीक है, ये भी इस रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 2 × 5/2, यानी कि 2 की पावर n बराबर क्या हो जाएगा 2 की पावर 5/2। तो हमें क्या ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना, तो यहां से n बराबर आ जाएगा 5/2। 5/2 कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पर, यानी कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दो। ठीक है, 12, 13, 14, 30 तक का मान क्या होगा, यानी कि इनाम जोड़ना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसमें 12 से लेकर 30 तक कितनी संख्या होती हैं। देखो 12 से 30 तक 30 में से 12 घटा दे तो कितने बच गए, 8, यानी कि 18। अब क्या हो रहा कि 12 हमने घटाया है, तो 12 घटाए तो जैसी बात उसके नाग हम क्या जोड़ेंगे, 1, तो कितनी संख्या होगी कुल 19। अब जो हमारा इनका योग का सूत्र होता है ना, ठीक है, इसका होता है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 × कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है, 19, जो कि हमारी आई है। ठीक है, 19 है। ठीक है, अब हम इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, 30 और 12 कितने हो गए, 42। ठीक है, 42/2 × 19, 2 × 42 कितनी बार कटागा, 21 बार। ठीक है, 21 × 19 कितना आ जाएगा हमारा, 399। 399 कौन से ऑप्शन पर, ऑप्शन नंबर सी पर है, यानी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 3 × 1/2, 5 × 1/6, 7 × 1/12, 9 × 1/20 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस समय क्या करते हैं, जो हमारा 3, 5, 8, 8, 8, 7, 15, 15, 9, 24, यानी कि इनका हमें जोड़ना ना, तो इनमें हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखे 3, 3+1/2, इसका मान भी यही होता है कि जो हमारा इसका ही है। ठीक है, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, इफ हम लिख लेंगे, इफ हम ना जोड़ देते हैं, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 + 1/2, ठीक है, +1/6, +1/12, +1/20। ठीक, इब इनका 24 प्लस इनका एलसीएम ले लेते हैं। देखो ये इसका 2, 6, 12, 20, यानी कि इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 60, क्योंकि देखो 60 सारे तो कट जाएगा, 60 आएगा। ठीक है, 2 तो 60 कितनी बार करेगा, 30। ठीक, उसके बाद जमा 6 तो 60 कितनी बार करेगा, 10 जमा। ठीक है, 12 से 60 कितनी बार कटेगा, 5 जमा। ठीक है, ठीक है, 20 से 60 कितनी बार कटेगा, 3 बार। ठीक है, अब हम सारों को जोड़ते हैं, 30, 40, 45, 48, 24 + 48/60। ठीक है, 12 × 48, 12 × 5, 60। ठीक है, यानी कि ये आएगा 24 + 4/5। ठीक है, अब 24 का गुणा हम किस में करेंगे, इधर में। ठीक है, 24 × 5 = 120, 120 + 4 यानी 5 आए ले जाओ जी, क्योंकि इनका इनका लिया हमने एलसीएम 24 नीचे का। ठीक है, 24, 120 और 4 कितने हो जाएंगे, 124/5, 124/5 कौन से ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर ए पे, यानी कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 24, 36 तथा 60 को विभाजित पूर्णतः विभाजित करेगी। 24, 36,
24, 24, 36 और 60। 24, 36, 60 को देख इनका क्या होगा, पूर्णतः विभाजित करनी। पूर्णतः विभाजित का क्या मतलब होगा, इनका मैं से ज्ञात करना, ठीक है, जो सारों से करता हो, यानी मैं से भी हम वो ज्ञात करेंगे जो सबसे बड़ा हो, ठीक है। अब देखो 24, 24 को हम क्या लिखते हैं, दो गुना छः, छः दिन बारह दिन 24, ठीक है। 36 को क्या लिखेंगे, दो गुना तीन गुना छः, ठीक है। जब इसे 60 को क्या लिखेंगे, छः गुना दो गुना पाँच, ठीक, यानी कि छः दूनी बारह, छः दूनी बारह, छः दूनी बारह, यानी क्या है इसका मैं से 12, यानी कि 12 इसमें सबसे बड़ी संख्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। ये आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। इसमें क्या कहा कि 12 ये हमारा ये है ना, ये 12 में पॉइंट दे रखे, ये हमारा ऐसा है, ऐसा लिख दो, पॉइंट 12 भाग 0.03 गुणा 0.01, ठीक है। इसका हमें मान ज्ञात करना, ठीक है। अब हम इसको ऐसे लिखते हैं, 12.12/0.03 गुणा 0.01, 3×4=12, ठीक है, कि 2 पॉइंट से 2 का गुणा करते हैं 4 आएगा, ठीक है, यानी कि 4 के हम इसमें गुणा करेंगे 0.04। 0.04 कौन से ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर ए पर, यानी कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। यदि किसी संख्या का 60% 200 में जोड़ा जाए तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर होता है, तो संख्या क्या है। देख, यानी किसी संख्या का, मानो कोई संख्या 100% हो, ठीक है, 100% उन्होंने कहा कि कोई संख्या का 60%, यानी 60% 100 का 60% 60 हो, ठीक है, 100, ठीक है। उसने कहा 200 जोड़ने पर वो कितनी होगी, वही संख्या प्राप्त होगी, 100 में 60 घटाने के बाद 40, यानी कि 40 बराबर कितना आएगा, 200, ठीक है। 4 से कितनी बार कटेगा, 40 से कितनी बार, 5, यानी कि 1% बराबर आएगा 5, ठीक है। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, 500, 500 हमारे कौन से पे है, ऑप्शन नंबर ए पर, यानी कि ना इसने कहा कि वह तो वह संख्या क्या है, वह संख्या 500 है, 500 हमारा ए ऑप्शन पर, यानी ए राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का 1:5 के अनुपात में है, ठीक है। यदि इस जल में अल्कोहल से 2 लीटर, अल्कोहल जल से 2 लीटर अधिक है तो मिश्रण में जल की मात्रा क्या है, ठीक है। उसने क्या कहा, जो है ना अल्कोहल, अल्कोहल अल्कोहल का एरिया लिख दे और जल, ठीक है, ठीक। अल्कोहल को उसने कहा 1:5, ठीक है। इसने कहा इन दोनों अनुपात में ना, इसने कहा कि इन दोनों का जो अनुपात है ना, अनुपात में है, अल्कोहल देखिए जल अल्कोहल से 2 लीटर अधिक है, अंतर 4 बराबर 2, ठीक है, 2 × 2 = 4, यानी 2 = 1, ठीक है। उसने पूछा गया है कि जल की मात्रा, जल कितनी है 5, 2 = 1 है तो 5 = हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 × 5, ठीक है, यानी कि 5/2 का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, 2.5, 5/2 का मतलब 2.5, 2.5 कौन से ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, यानी बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 5 के प्रथम 12 अपव्ययों का औसत क्या होगा, ठीक है। ये भी क्या कह रहा है कि 5 के जो 12 है ना, 5, 10, ठीक है, डैश 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 अपव्ययों का मतलब डैश अंतिम संख्या हो जाएगी 60, क्योंकि 5, 10, 12, यानी कि इसमें हम 5 कॉमन ले लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक ठीक भी हो जाएगा 12, ठीक है। ये भी इसने क्या कहा कि 5 के अपव्ययों का मतलब क्या होगा, जोड़ने में जो अपवर्तन होते हैं कि इन इन संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है, 5, ठीक है। औसत, औसत योग ज्ञात करने के लिए हमारा क्या होता है कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, यानी कि 1 + 12, ठीक, 2, ठीक है। अब प्रथम अर्क संख्या कितनी आई है, 12, ठीक है। अब हमें औसत ज्ञात करना, औसत ज्ञात करना तो जाहिर सी बात है औसत की कुल संख्या कितनी है, 12, ठीक है, 12 से 12 कट जाएगा, ठीक है। ये आएगा 5 × 13/2, 13×5 = 65/2, 65/2 को जब 65 ओम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 32.5, 32.5 हमारे कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, नहीं बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 2 वर्ष चक्रवर्ती ब्याज दे पर
5240 हो जाती है, 3 वर्षों में 6288 हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देख इसने कहा 3 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष, 3 वर्ष में 6288, ठीक है, 2 वर्ष 5240, ठीक है, इनका डिफरेंस, डिफरेंस क्या आ रहा है इनका, इनका डिफरेंस आ रहा है 1048, ठीक है, यानी कि जो 1 वर्ष का ब्याज बढ़ा ना वो 1048 बढ़ा, ठीक है, यानी कि इबम इसका 1048 तो होगा हमारा ब्याज, ब्याज कितना 1048, ठीक है, कितने पर 5240 गुना आर गुना 1/100, ठीक है, जब हम इसे हल करेंगे यानी कि 10 से 10 कट जाएगी आप, ठीक है, 524 को 524 तक इसे करेंगे कितने बार, 2 बार कट जाएगा, तो यहाँ से आर बराबर 10 की गुना इधर हो जाएगी, आर बराबर 20, यानी कि वो जो हमारी दर है ना वो कितनी है 20%, 20% हमारा कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एक विक्रेता एक वस्तु को 1400 में खरीदता है, 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ठीक, यानी कि 1400 रुपये की कोई वस्तु खरीदी, ठीक है, 20% का लाभ कमाने खातर 1400 का 120/100, ठीक है, 20 से 20 कटेगी, 14 की गुणा हम 120 में करेंगे तो क्या आएगा, 14 जीरो की जीरो उतार ले पहले, तो हम 14 2 28, 14 और 2 16, यानी कि जो इसका विक्रय मूल्य होगा 1680 रुपये, 1680 हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी पर, बी यानी बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एक पंखा 20% छूट पर बेचा जाता है, पंखे का क्रय मूल्य 960 है, यदि 30% लाभ अर्जित किया जाए तो पंखे का अंकित मूल्य क्या होगा, यानी कि इसका जो अंकित मूल्य है ना ₹100 है, ठीक है, और उस पर कितने का रहा 20% की छूट, 20% छूट का मतलब क्या होगा 80/100, ये वो क्या कह रहा 960, ये क्रय मूल्य हमारा 960 है, ये 960 पर 130 यानी 30% लाभ 130/100, ठीक, 100 से 100 कटेगा। ये भी देखो हमारे ये इधर भी हमारा ये विक्रय मूल्य आएगा, इधर भी विक्रय मूल्य है, क्योंकि अंकित मूल्य पर छूट देंगे विक्रय होगा, और क्रय मूल्य पर हम अगर लाभ लेंगे तो वो हमारा विक्रय मूल्य होगा। ठीक, ये भी हम इसका हल करते हैं। ठीक, 0 से 0 कट जाएंगे, 8 से 96, 8 की 8 8 2 16, यानी कि अंकित एक्स बराबर आ जाएगा हमारा 12 गुना 130, ठीक, बराबर आ जाएगा 12 0 0 12 2 4 12 2 36, 12 8 3 15, यानी कि क्या आएगा हमारा 1560, 1560 कौन सा ऑप्शन नंबर बी पर, बी हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 12, यदि किसी वर्ग के भीतर एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि हमारा कोई एक वर्ग है, ठीक है, इसके भीतर एक वर्त है, ठीक है, वर्त क्या होगा पूरी यानी कि सारों तक टच होगा, और जो उसकी त्रिज्या है ना त्रिज्या आर होगी, और जो उसका व्यास होगा व्यास कितना हो जाएगा 2r, ठीक है, ठीक है, व्यास क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा 2r, ठीक है, ये हमारा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, जो हमारा वर्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा उसने 16 पाई, लेकिन वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ से आर बराबर कितना आ जाएगा हमारा, आर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4, और जो हमारी भुजा है भुजा कितनी दे रखी है 2r, यानी कि जो हमारी 2r का मतलब क्या हो जाएगा 4 2 8, ठीक है, आर की वैल्यू 4 तो भुजा कितनी होगी हमारी 8, इधर का वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर हो भुजा, भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी हमारी 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 64, यानी कि 64 हमारा राइट आंसर, 64 हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए पर है। ठीक है, ये आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। पी तथा क्यों के मध्य की दूरी 900 किलोमीटर पर किलोमीटर है, एक रेलगाड़ी पी से प्रातः 8 बजे 25 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलना प्रारंभ करती है, रेलगाड़ी रास्ते में 1 घंटा 40 मिनट रुकती है, ठीक है, तथा क्यों पर किस समय पहुंचेगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, पी से क्यों तक की दूरी कितनी है 900 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर, ये वो क्या कह रहा है कि चाल है ना हमारी, जो चाल है चाल कितनी है उसकी 25 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड को हम घंटे किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए छोटे थे बड़े में बनाने के लिए हम 18/5 से गुणा करेंगे,
25 यानी कि 18 × 5 = 90, यानी कि जो हमारी चाल है ना वो 25 किलोमीटर, वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। इवन 900 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से करेंगे तो कितने टाइम लग रहा है उसे, 10 घंटे, 9 × 9 = 90, ठीक है, यानी कि 10 घंटे में पूरी दूरी तय करेगा। ठीक है, 10 घंटे में तो दूरी तय कर ली उसने, 1 घंटा 40 मिनट उसे और भी तो लग रहे, 1 घंटा 40 मिनट, यानी कि उसे कितने समय लगे, 11 घंटे 40 मिनट का समय लगा उसे। ठीक है, जब 11 घंटे 40 मिनट का समय लगा, प्रातः 8 बजे, 8 बजे वो हुआ था, 8 बजे का मतलब इसमें हम 8, 12 बनाने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें, 4, ठीक है, यानी कि 8 × 11 = 11 जोड़ दो, ठीक है, ग्यारह चालीस में 8 जोड़ते के बाद आ जाएगा हमारा 19:40, ठीक है, यानी कि 19:40 का मतलब हो जाएगा हमारा 12 × 7 = 7:40, हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी पर, यानी सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ये आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 3500 रुपये का निवेश करके एक व्यापारी प्रारंभ करता है, 5 महीने के पश्चात भी 50,000 रुपये के निवेश के साथ व्यापार में जुट जाता है, वर्ष के अंत में उसका लाभ का अनुपात क्या होगा। ठीक, यानी कि ए और बी, ये कितना कर रहा, 35,000, ठीक है, 35,000 रुपये लगा लिए इन्होंने, ठीक है, और कितने महीने के, 5 महीने के पश्चात ही बी है ना, बी, बी कितने लगा रहा, 5,000, ठीक है, 50,000 लगाए ना उसने, ठीक है, 50,000 रुपये उसने 5 महीने बाद, 5 महीने पश्चात, तो इन्हें 7 महीने लगाए, इसने कितने महीने लगाए, 12, कहा इन्हें क्या कि उसने, उसने कहा कि वो कितने वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में कहा ना, तो वर्ष के अंत कितना, 12, देखो 0 से 0 काट लेंगे हम, 3 जीरो से, ठीक है, 3 जीरो काट लेंगे, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 50, यानी 10 आएगा, 7 × 7 तो ये कट जाएगा, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, यानी कि क्या आएगा, 6 × 5 = 11, यानी कि जो अनुपात आएगा ना 6 × 5 के अनुपात में जो होगा, वर्ष के अंत में उनके बीच लाभ अनुपात कितना होगा, 6 × 5 के, 6 × 5 कौन से ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए पर है। ठीक है, ये आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। 2 नल जे और एल एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 14 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, यदि एक निकासी नल के को खोला जाए तो तीनों नल एक साथ मिलकर टंकी को 11 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, के अकेला उस टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। ठीक है, देखो इसने क्या कहा कि जो जे है ना, जे कितने में कर रहा, 12, ठीक, और जे के, जे और एल, एल कितने में, 14 मिनट में, और जे के और एल कितने उसमें, 21 मिनट में। ठीक है, इब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इनका 84। ठीक है, 12 × 7 = 84, 12 × 14 = 70, 14 × 6 = 84, 21 × 6 = 84। ठीक है, यानी कि जे हमारा कितना काम कर रहा, 7, ठीक है, एल, एल हमारा कितना काम कर रहा, 6, कुल काम हमारा कितना है, 84। ठीक है, इसमें इसने पूछा है कि के अकेला कितना काम कर रहा है, 4, ठीक है, यानी कि जब तीनों मिलकर काम कर रहे हैं ना, ये तो ये 4 ही काम कर रहे हैं, 4, अन्य दोनों कितने कर रहे थे, 7 × 6 = 13, यानी कि काम कितने की कमी हुई, 9 की। ठीक है, यानी कि जो 84 काम है ना, तो एक दिन में एल है ना कितना काम कर रहा, 9, ठीक है, क्योंकि जो 13 है तो उसमें तो हम ये घटाएंगे तो क्या आएगा, 9, 9 तो 84 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 3 × 9 = 3, 3 × 3 = 6, 3 × 8 = 24, यानी कि 28/3, 28/3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी पर, यानी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के हमारे 15 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त।